सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जो नया अपडेट आया है, जो नया ऑप्शन आया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे। और स्टेटस वहाँ से आप देख सकते हैं, पेमेंट जो आपका जो फॉर्म है, आवेदन जो आपने किया है, उसका स्टेटस दोस्तों वहाँ दिखता है। और वहाँ अगर आपको ऐसे कुछ दिखा रहा है अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस, तो इसका क्या मतलब होता है और इसके बाद क्या होगा और आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म कहाँ कहाँ जाता है, इसमें इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की। और यहाँ जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, फार्मर कॉर्नर पे ये ऑप्शन आया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड एंड सीएससी फार्मर। यहाँ उनका स्टेटस दिखाएगा जिन्होंने सीएससी के माध्यम से या फिर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यहाँ से जिन्होंने ये यहाँ से किया है, जिन्होंने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से जिन्होंने अप्लाई किया है या फिर जिन्होंने सेल्फ यानी कि खुद से यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया है या सीएससी के माध्यम से किया है, उन्हीं का ये यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेल्फ रजिस्टर्ड जो है स्टेटस देखने का, सेल्फ स्टेटस देखने का, इस पर हम क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारा जो स्टेटस है हम यहाँ से देख पाएँ। तो ये इस तरह से खोल लेना है दोस्तों हमें, और यहाँ हमें आधार नंबर और ये कैप्चा कोड डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का कुछ आपके सामने कुछ दिखाता है। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको रिमार्क में ही मैं बता देता हूँ, अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है सेम इसी तरह। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी जानकारी अपनी दिखाता है, नाम दिखाता है, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक विलेज, रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ पूरी दिखाता है। और यहाँ रिमार्क में दिखा रहा है जैसे कि अप्रूव हो चुका है और आगे की प्रक्रिया के लिए पेंडिंग है। तो दोस्तों अब मैं इसकी पूरी जानकारी भी आपको बताऊंगा, पेंडिंग अभी दिखा रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जब हम स्टेटस चेक करते हैं, इस तरह से स्टेटस जब हम चेक करते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ दोस्तों इसके बाद पीएफएमएस का आप देख सकते हैं, पीएफएमएस रिस्पॉन्ड करता है, पीएफएमएस के पास इसके बाद वो जाता है, पीएफएमएस हमारा जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करता है बैंक का, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जो बैंक अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड वगैरह होता है, इनको एक बार जो पीएफएमएस है वो वेरीफाई करता है, उनको चेक करता है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की डेट 25/11/2019 इसमें दिखा रहा है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इसमें आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, यानी अब जल्द से जल्द इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। इस तरह से आपका जो पूरा ऑप्शन इसमें बता दिया है। इसके बाद क्या होता है, आवेदन करने के बाद फॉर्म कहाँ जाता है, पूरा दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसी तरह से आप भी देख सकते हैं अपना स्टेटस खुद से और पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अभी कहाँ है। और दोस्तों आपको एक नई जानकारी और बता देता हूँ, तो दोस्तों जो यहाँ अप्रूव बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस दिखा रहा है, तो दोस्तों जो स्टेट में जो करता है इनको, जो अप्रूव करता है, जो आपका तहसीलदार जो होता है तहसील में, वो इनको अप्रूव करते हैं और उन्हीं के पास पीएम किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उसका एक्सेस होता है, लॉगिन का एक्सेस होता है, और वही लोग अप्रूव करते हैं। तो आपको यहाँ बता दूं, अगर आपकी कोई जानकारी गलत है तो आप तहसीलदार से मिल सकते हैं सीधे, और तहसीलदार के पास आपने आवेदन दे देना है पूरी जानकारी आपकी सही करने का, बैंक अकाउंट नंबर भी आप वहाँ से सही करा सकते हैं, आधार नंबर भी सही करा सकते हैं, आईएफएससी कोड भी साथ में आप सही करा सकते हैं अगर आपकी कोई भी जानकारी गलत है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी, और आपको इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि आपका जो आवेदन फॉर्म है कहाँ कहाँ जाता है और कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह नई नई जानकारी पाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।